हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज चैप्टर नंबर टू, सेल्फ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में। हम जानेंगे कि सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है, क्या इम्पोर्टेंस है सेल्फ मैनेजमेंट की हमारी लाइफ में, और जो कॉन्फिडेंस क्या होता है, कॉन्फिडेंस किस तरह से अफेक्ट होता है डिफरेंट फैक्टर्स से। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। हियर फर्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। सो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट गुड मार्क्स इन वन सब्जेक्ट एंड नॉट सच गुड मार्क्स इन अनदर। तो कभी क्या आपने सोचा है कि हम कुछ सब्जेक्ट्स में अच्छा करते हैं परफॉर्म, और कुछ सब्जेक्ट्स में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। नोइंग व्हाट यू डू वेल और नॉट सो वेल विल हेल्प यू इन कन्वर्टिंग योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि क्या हम अच्छा कर सकते हैं, क्या हम अच्छा नहीं कर सकते, तो इससे हम अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें अपनी वीकनेसेस फाइंड आउट हो जाती हैं, तो हम उन वीकनेसेस को इम्प्रूव करके स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो हमारी स्ट्रेंथ है उसे हम टैलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपने आप को जानना जरूरी होता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या हमारी स्ट्रेंथ है और क्या हमारी वीकनेस है। इससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं, डिस्कस अबाउट सम ऑफ द डेफिनेशंस। फर्स्ट इज बिलीव्स। पहला है यहाँ पर बिलीफ। तो बिलीफ क्या होता है? बिलीफ इज अ फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी दैट समथिंग एग्जिस्ट एंड इज ट्रू, especially one without proof. For example, one's belief in a friendship or superstition. So, belief एक तरह की feeling होती है या एक certainty होती है जो हमें लगता है कि यह सही है। ठीक है, लेकिन इसका कोई proof नहीं होता। हमारी जो ये feeling है वो बिना किसी proof के होती, इसको हम कहते हैं belief. तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं बिलीफ का, जैसे सुपरस्टिशन। कुछ लोग अंधविश्वास में भरोसा रखते हैं, तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता लेकिन फिर भी उनका ऐसा मानना होता है। ठीक है, इसके बाद आता है वैल्यूज। सो वैल्यूज का क्या मतलब है? वैल्यूज का मतलब है द वैल्यूज आर प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। ये हमारे कुछ आदर्श होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं लाइफ के, जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को लेते हैं। इनका हमारी लाइफ में, हमारे एटीट्यूड पर, हमारे बिहेवियर पर एक मेजर इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं वैल्यूज। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं वैल्यूज क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। देखिए, ऑनेस्टी, इक्वेलिटी, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एटसेट्रा, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कॉमन वैल्यूज के। इसके बाद आता है लाइक्स। लाइक्स क्या है? इट सिंपली मीन्स थिंग्स यू एंजॉय और लव डूइंग। जो कुछ हमें करना अच्छा लगता है वो हमारे लाइक्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है और किसी को स्पोर्ट्स में अच्छा लगता है, तो उसकी लाइक्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिसलाइक। तो इसके जस्ट अपोजिट डिसलाइक होता है, जिसको हम स्ट्रांगली डिसअप्रूव करते हैं, जिसको जिसमें हमें एंजॉय नहीं फील होता, उसे हम डिसलाइक कहते हैं। फॉर एग्जांपल, डिसलाइक टुवर्ड्स समवन हु डजंट ट्रीट पीपल इक्वली। मतलब कोई एक ऐसा पर्सन है जो लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं करता है, तो उसको हम डिसलाइक करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ओपिनियन।
ओपिनियन का मीनिंग क्या है यहाँ पर? ओपिनियन का मतलब होता है राय, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों की अलग अलग राय होती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, एन ओपिनियन अबाउट समवंस कैरियर चॉइस, किसी की कैरियर से संबंधित चॉइस है तो उसकी पर्सनल राय है वो, उसकी उसको हम कहेंगे ओपिनियन, ठीक है। नेक्स्ट, बैकग्राउंड, हियर इट रेफर्स टू पर्सन्स एक्सपीरियंसेस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तो यहाँ पर किसी पर्सन का अब तक का एक्सपीरियंस, उसकी ट्रेनिंग कैसी रही है, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रही हैं, ठीक है। तो इसको हम बैकग्राउंड के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। और बैकग्राउंड चाइल्डहुड से इमर्ज हो सकती है, एजुकेशन के टाइप से इमर्ज हो सकती है, फैमिली से भी इमर्ज हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट बैकग्राउंड। नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का क्या मतलब है? आइडेंटिटी इज अ सेट ऑफ बिहेवियरल और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमारी बिहेवियरल और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमें एक पहचान देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी सिटीजनशिप क्या है, रिलीजियन क्या है, कास्ट क्या है, ठीक है। इसके अलावा हमारे लाइक्स डिसलाइक्स, इसके अलावा हमारा ओपिनियन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, इन सबको मिलाकर एक हमारी पहचान बनती है जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी, ठीक है। तो ग्रुप में आइडेंटिटी से हम पहचाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं क्लास में स्टूडेंट्स हैं तो सभी स्टूडेंट्स का अपना अपना अलग बिहेवियर होता है, उनके लाइक्स डिसलाइक्स होती हैं, स्ट्रेंथ वीकनेसेस होती हैं, ठीक है। तो उससे उनकी क्लास में अलग एक पहचान होती है, इसी को कहते हैं आइडेंटिटी। नेक्स्ट, नोइंग योरसेल्फ। नोइंग योरसेल्फ मींस अंडरस्टैंडिंग हु यू आर, हमें पता हो रियल में कि हम कौन हैं। नोइंग योरसेल्फ का मतलब है हु एम आई, मैं कौन हूं। कैसे पता चलेगा हम कौन हैं? अगर हम एनालाइज करें अपने बिलीफ्स को, लाइक्स को, ओपिनियंस को, बैकग्राउंड को, डिसलाइक्स को एंड वैल्यूज को, तो हमें जो रेस्पॉन्स मिलता है, जो जानकारी मिलती है अपने बारे में, वही हम होते हैं। एक्चुअली दूसरे लोग हमें कम जानते हैं एज कंपेयर टू अस, हम ही हमारे बारे में सबसे अच्छा जान सकते हैं, ठीक है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो हु यू आर बिकॉज ओनली देन यू कैन मेजर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। और जब हम अपने बारे में जान जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हमारे स्ट्रेंथ्स क्या हैं, जिससे हम अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करके आगे इम्प्रूवमेंट कर सके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज एंड एनालाइज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, हमें कैसे पता चलें कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेस क्या है। इसके लिए हम एक एनालिसिस कर सकते हैं, बीइंग सेल्फ अवेयर और अंडरस्टैंडिंग हु एम आई मींस लुकिंग आउटसाइड द यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज नेम। तो यहाँ पर हमें केवल यही नहीं जानना है कि हमारा नेम क्या है, हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, हमारा दूसरों के साथ रिलेशनशिप क्या है। एक्चुअली हमें अपने बारे में तब पता होगा जब हम अपनी इनर स्ट्रेंथ को जान सकें, हमारा हिडन टैलेंट क्या है ये हमें पता हो, हमारी स्किल्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ओके। सो स्ट्रेंथ और एबिलिटीज आर व्हाट वन डज वेल एंड इज गुड एट। अब हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ आखिर होती क्या है, किसे हम स्ट्रेंथ में कंसिडर करते हैं और किसे हम वीकनेस के अंदर कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, व्हाट डज वेल एंड इज गुड एट, हम क्या अच्छा कर सकते हैं और किस फील्ड में, किस एरिया में हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ होती है।
सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ होती हैं, एवरीबडी हैज़ वन सम स्ट्रेंथ, कुछ वीकनेसेस होती हैं. फॉर एग्जांपल हम स्ट्रेंथ की अगर बात करें, ए पर्सन इज़ गुड एट सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स. एक पर्सन मैथ्स की प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर सकता है, कोई पर्सन क्रिकेट में अच्छा है, तो इसका मतलब क्या है, ये उसकी स्ट्रेंथ है. दूसरा, इसके उल्टे अगर रिवर्स हम बात करते हैं वीकनेसेस की, तो जिन एरियाज में हमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, यहाँ आप देख सकते हैं जिन एरियाज में हमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, जो हमें डिफिकल्ट लगता है करना, ठीक है, वो हमारी वीकनेसेस होती है. ठीक, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ए पर्सन कैन नॉट वेक अप ऑन टाइम. एक पर्सन टाइम पर नहीं उठता है, तो उसकी वीकनेस है. और इज नॉट एबल टू कोप अप विद प्रेशर, वो तनाव नहीं झेल सकता है, प्रेशर को नहीं झेल सकता है, किसी सिचुएशन में एकदम से वो अपना टेम्परामेंट खो देता है, इसका मतलब क्या है, यह उसकी वीकनेस है. ओके, तो जब हमें पता चल जाता है कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, टू नो वॉट वी कैन एंड कैन नॉट डू, और हमारी वीकनेसेस क्या हैं, तो इसके बेस पर हम अपनी वीकनेसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं उनको हम अपने टैलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसके बाद फाइनली जब हमारी स्ट्रेंथ टैलेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, या हमारी वीकनेसेस हमारे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी, तो फाइनली वी विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट अवर सेल्फ, हमें अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा. ठीक है, इसके बाद कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स को और वीकनेसेस को. तो यहाँ पर देखते हैं, टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, थिंक अबाउट द एक्टिविटीज दैट यू एंजॉय डूइंग एंड दोज दैट यू नॉट लाइक टू डू. पहला है स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करके हम अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर, टेक टाइम ऑफ टू थिंक, कुछ खाली टाइम में आप सोचें, समय निकाल कर, और सोचें कि क्या आप अच्छा करते हैं. ठीक है, इसके बाद थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज गुड एट, उन चीज़ों के बारे में सोचें जिसमें आप हमेशा से अच्छे रहे हैं, और थिंक ऑफ व्हाट अदर्स अप्रिशिएट अबाउट यू, और ये देखें कि लोग आपके बारे में क्या अच्छा कहते हैं, किस फील्ड में आप अच्छे हैं, कहाँ पर आपकी प्रशंसा करते हैं लोग, इन चीज़ों के बारे में आप सोचें. तो अगर इन स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. अब इसके रिवर्स चलते हैं, फाइंडिंग योर वीकनेसेस, हम अपनी वीकनेसेस के बारे में कैसे पता लगाएं. Point out the areas where you struggle and what you find difficult to do. तो पहला पॉइंट है यहाँ पर, उन एरियाज को फाइंड आउट करें आप जहाँ पर आप स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, और जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, कठिन लगते हैं. इसके बाद लुक एट द फीडबैक यू रिसीव अबाउट योर सेल्फ फ्रॉम अदर्स, और देखें फीडबैक लोग आपके बारे में क्या कहते हैं. फाइनली जो भी कोई फीडबैक हमें मिल रहा है उसके लिए हम ओपन माइंड रहें, ठीक है, तभी हमें अपनी वीकनेसेस पता लगेंगी. ठीक है, इसको नेगेटिवली ना लें, लुक एट इट एज एन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, फिर आप उस एरिया में इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचें. तो इन स्टेप्स को फॉलो करके हम अपने स्ट्रेंथ्स को और वीकनेसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं. Here are few questions that can help you to find your strength and weaknesses. कुछ questions हैं जिनको आप follow करेंगे, जिनको उनकी help से जो answer आपको मिलेगा, आप analyze कर सकते हैं strength को और weakness को. जैसे यहाँ blue box में आप देख सकते हैं, blue cloud के अंदर left side में first question है, how am I different from others? First question है कि मैं किस तरह से लोगों से अलग हूँ. What do I do better than others? मैं लोगों से क्या अच्छा करता हूँ. What do others people admire in me? लोग मेरे बारे में किस चीज़ की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं,
वॉट मेक्स मी स्टैंड आउट, ठीक है, मुझे अलग क्या दिखाता है. नेक्स्ट, अगर हमें वीकनेसेस पता लगानी है, वेयर डू आई वरी एंड स्ट्रगल, कहाँ पर मैं स्ट्रगल करता हूँ, कहाँ पर मुझे प्रॉब्लम फील होती है. वेयर हाउ एंड वाई डू अदर्स परफॉर्म बेटर देन मी, लोग मुझसे अच्छा क्यों और कहाँ कब परफॉर्म करते हैं. एंड वॉट एडवाइस फॉर इम्प्रूवमेंट डू आई ऑफन रिसीव फ्रॉम अदर्स, लोग मुझे किन फील्ड्स में इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोलते हैं. तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स अगर आपको मिलते हैं तो आप निश्चित ही अपनी वीकनेसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं. अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है वेट फॉर वन सेकेंड. नेक्स्ट इज ग्रूमिंग. ग्रूमिंग का क्या मतलब है यहाँ पर? ड्रेसिंग रेफर्स टू क्लोज यू वियर. ग्रूमिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योरसेल्फ लुक नीट टाइडी एंड क्लीन. ग्रूमिंग का मतलब है अपने आप को नीट टाइडी और क्लीन रखना, क्लीन प्रेजेंट करना. सो द वे यू ड्रेस and groom can send a message that you are confident and smart. Groom is important because it helps us to look neat and clean, feel confident about ourselves, makes a good impression of ourselves on others and including customers. To jo hamara dressing sense hai, agar neat aur clean hai to isse hum apne andar confidence feel karte hain apne bare mein, हमें अच्छा लगता है और इसका दूसरों पर भी अच्छा इम्प्रेशन जाता है. अगर कोई पर्सन प्रोफेशनल फील्ड से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर अगर वो कस्टमर्स से डील करता है तो कस्टमर्स के ऊपर भी उसका अच्छा इम्प्रेशन होता है. कोई जॉब फील्ड में है, वर्क करता है, तो वहाँ पर भी जॉब लेवल पर भी उसका इम्प्रेशन अच्छा होता है. अगर वो अपना आपको नीट एंड क्लीन रखता है, वेल ड्रेस रखता है, तो इसी को हम कहते हैं ग्रूमिंग. तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं ग्रूमिंग के लिए, ड्रेसिंग के लिए. तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो अभी इस चैप्टर के लिए इतना ही.